झासाराम का चल गया, नरेंद्र मोदी के झासा में जनता आ गई, देश भर में हो गया, खाली प्रदेश में हुआ है। प्रदेश के लिए जिम्मेदार कौन? जीरो का देश भर में हो गया तो एक प्रदेश के जिम्मेदार क्या होगा? सब देश का बुरा हाल है। आप तो आरजेडी के बिहार एक कद्दावर नेता है। आरजेडी का है, लेकिन वो जो झोंका आधी चली आरजेडी नहीं रोक सका उसको। आरजेडी के अंदर से आवाज उठनी शुरू हो गई है। महेश्वर यादव तो बोल रहे हैं, महेश्वर यादव पार्टी में है तो कोई ऐसी पार्टी से अलग चल रहा है। कोई तो इसके लिए जिम्मेवार होगा ना, जो स्थिति ये हुई है कि जीरो पे आउट हो गई आरजेडी। देश भर में हुआ है, खाली यहीं हुआ। नहीं, आरजेडी का देश भर में कहां, बिहार की बात कीजिए ना। नहीं तो देश भर में जो विपक्षी दल थे सभी जगह ना गड़बड़ा गए हैं। वो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, वही राजदे है। सब दल गड़बड़ा गए हैं। झासाराम में आ गए, नरेंद्र मोदी के झांसा में लोग आ गए, जनता आ गई, सब सीधे मोदी के चुनना है प्रधानमंत्री। कुछ कैंडिडेट आप पार्टी का विचारण किया कोई? क्या जिम्मेवारी तो किसी को लेनी होगी ना। जिम्मेवारी तो सब लोग के लेनी होगी, एक आदमी जिम्मेदारी इसका थोड़े होता है। मंथन की जरूरत है पार्टी में। मंथन हो रहा है, शुरू है, मंथन होगा, विचारण होगा, कहाँ कमियाँ रह गई, कहाँ कमजोरी है, कहाँ दुरुस्त करना चाहिए, आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे होगा, संगठन होगा, संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, भीषण जन संग्राम होगा, लड़ करके फिर पछाड़ूंगा। जनता का है मर्जी, जनता की मर्जी है, इस बार हुआ से नहीं मोदी ये रहे, लेकिन बीच में देखिएगा जे लोग कहेंगे जो ठीक नहीं हुआ, धोखा खा गए। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की जो द्वंद्व युद्ध चला उस कारण नहीं मानते हैं कुछ द्वंद्व फंद से इससे कथी होगा। मध्य प्रदेश में क्या हो गया, राजस्थान में कौन द्वंद्व हुआ, वैसी है हवा चली, झोंका चला, झांसा में लोग आ गए हैं, झांसाराम के झांसा में आ गए, उन्हें आसाराम आए ने झांसाराम। तेजस्वी को जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए कुछ पार्टी की? देखिए अगर प्रदेश में हुआ है, देश राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति जो हाँ भाई राष्ट्रीय कौन दल के बढ़िया स्थिति हो गई, विपक्षी दल तो सबके बुरे हाल है। आपके जैसे कद्दावर नेता भी हार गए तो उससे क्या हुआ, सोचने का समय आ गया कि क्या होगा पार्टी में। एक बार हारे हैं तो दूसरी बार हार गए। मोदी की लहर चलती है जो मोदी के देंगे, इस बार मोदी के देखना है, सब मोदी के डायरेक्ट दे दिया, कैंडिडेट पर थोड़े विचारण किया, न पार्टी न कैंडिडेट, सब मोदी। आप लोग क्यों नहीं उस हिसाब से रणनीति बना पाए? वो कमजोरी हो गई तो उसको ठीक किया जाएगा, सब मंथन हेले न हो रहा है। मंथन और विचारण और समीक्षा क्या बात होगी, ये सब होगी क्यों? हम लोग मुकाबला नहीं कर सके, कहाँ कमियां रह गई, सबको दुरुस्त किया जाएगा। आरजेडी तो लगता है एक परिवार की पार्टी बन रही है। परिवार के आपको लगता है कि उस पार्टी में आपकी चलती है? राजद परिवार है, राजद परिवार, राजद परिवार, उसके बाद महागठबंधन परिवार, महागठबंधन का भी तो वही हाल हो गया। हाँ भाई तो यही ना, कमियां कहाँ रह गई? आप मानते हैं कमी कहीं रही है? घर बिना कमियां के हार गए, कहाँ कमी रह गई है? तो ही ना विश्लेषण होगा, अनुसंधान होगा। आप तो बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के। वरिष्ठ नेता क्या है, जनता वोटे न दिया तो वरिष्ठता खत्म कर दिया सब। जनता ने क्यों नहीं वोट दिया? प्रसाद सिंह को जनता ने क्यों नकार दिया? जनता मोदी के बल प्रधानमंत्री बनाना।